हेलो, सत श्री अकाल जी। बी ट्रैक्स चैनल ते सारे दा बहुत बहुत स्वागत है। अज कल अंबां दा सीजन है ते आपां अंबां दी खट्टी मिठी चटनी बनाउण लगे हां। ते 500 ग्राम लए अंब ते उहनां दे हिसाब नाल इह मसाले लए आ। 6-7 निक्कियां इलायचियां, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून मेथे, 1/4 काली मिर्च, 7-8 लए बादाम, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, ते 1/4 जवैन। ते आपां जिन्ना पाइए अंब छिल के गुठली कढ के, जिन्ना अपना गुद्दा बचना है ना, उन्नी आपां चीनी पाउणी है। ते हुण आपां अंबां नूं छिल के कद्दूकस करिए। आपां ना हुण अंब छिल लईए, अंब छिल के ते फिर आपां इहनां नूं कद्दूकस करांगे। कद्दूकस बहुत बरीक जे नहीं करने, मीडियम साइज़ के कद्दूकस वाले आप कद्दूकस करांगे। कद्दूकस करके फिर आप फ्राइंग पैन च पावांगे। इदा ना आप सारे आप छिल लेने अंब। इन्हां मैं पहला वॉश कर चुकी हाँ, अच्छी तरह वॉश करके फिर ही आप छिलना है। तो अंब भी कई ज़्यादा खट्टे होंगे, कई घट खट्टे होंगे, कोई खट्टी चीज़ ज़्यादा पसंद करता है तो कोई घट खट्टी पसंद करता, उस हिसाब नवी मिठा पा लीजा, उदा आप बराबर का मिठा पाईदा। आप हम छिल लिया अंब तो आप हम कद्दूकस कर लीए। इन्होंने आराम नाल अपना हाथ बचा के ना कद्दूकस करने, कई कद्दूकस तिखे बड़े होंगे, हाथ से लग जाता। इदा कद्दूकस चाहिए बहुत मोटा भी ना हो, तो बहुत बरीक भी ना हो। आप सारे अंब कद्दूकस कर लेंगे। लो जी, अपने सारे अंब हम कद्दूकस कर लिया। आप इदा गिटक घुमा घुमा के ना गुठली ने सारे पासियों तो आपां गुद्दा उतार लिया है। तो हुण आपां सारे पासियों तो ला लिया आपां गुद्दा। लो जी, अपने अंब आपां कद्दूकस कर लिया सारे। तो हुण इन्हां नूं ना आपां फ्राइंग पैन च पावांगे। उस तो पहले जेडे आप मसाले पाने ना, जिदा निक्की इलायची, काली मिर्च, सौंफ वगैरह, वो आप थोड़ी रोस्टड कर लीए। मैं गैस किया ऑन, पैन थोड़ा गर्म हो जाए। लो जी, पैन हो गया गर्म। तो आप सौंफ पाती जो आप ले सी, ते छोटी इलायची, मेथे के बीज, काली मिर्च, अजवाइन, इन्हां नूं हल्का जिहा रोस्टड करना है। तो हल्की जी इन्हां च स्मैल पै जाए जिदा, तो फिर आपां इन्हां नूं ग्राइंड करांगे। मीडियम सेक ते ही इन्हां नूं हल्का जिहा सेक लवाउणा। बस आपां हल्का जिहा सेक लवाउण नाल इन्हां दी स्मैल थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो फिर वो चटनी च, अचार च, इन्हां चीज़ां च बहुत सोहणी लगती है तेज़ स्मैल इन्हां दी। लो जी, हो गया। आप हम गैस बंद कर दें, ठंडे हुए तो इनू फिर थोड़ा पीस दें। आप लो जी, अपना मसाला कुट हो गया, तो इनू आप हम कढ लें, इनू रख लीए एक साइड से। हम गैस करिए ऑन, तो आप ना पैन करिए गर्म। तो कद्दूकस किए ना, अंब पा दीजिए बिच। ये ना पानी नहीं पाई दा रता भी, ये अपना ही पानी होना है, जो अंबां च हुंदा है रस ओ ही होना है। तो आप स्लो गैस से पहला रख देंगे। फिर आप मीडियम कर देंगे।
अंब थोड़ा देखो इन्हां ने हुण अपना थोड़ा रस छड्ड दित्ता है, ते हुण आपां पा दईए विच चीनी, ते चीनी ने भी इसे ही रस दे विच घुल जाणा। जिन्ने अपना यह कद्दू किश्त किते अंब रहने उन्नी ही आपां विच चीनी पाउणी है बराबर। ते बस आ देखो हुण नरम पै गया है, इदां आपां हुण इन्हां नूं हिलाई जाना लगातार, छड़ना नहीं है ना, नीचे ना लग जाए, चीनी पाई है ना इस करके लगातार ही हिलाते रहना है। आ देखो अपना ना हुण अंब रिझने शुरू हो गए, रिझे पै गए हैं, तो हुण नरम भी हो गया, रस छड़ दिता इन्हें, चीनी घुल चली है, तो बस आप इदी 5 मिनट होर रहिंदे हैं, फिर बिच आप मसाले पावांगे, इदी आप चलाउंदे ही रहना लगातार बस, ता जो साडे चीनी ना नीचे ना लगे पॉट दे, इस करके लगातार ही चलाउंदे रहना। हाँ जी अपना आ देखो जी रस जिहड़ा सीगा ना चीनी ने छड्डिया वह हो गया टाइट, अंबां दे नाल मैच कर गया, तो हुण आपां इहदे च मसाले पा दईए। आ जिहड़े आपां पीस के रखे सी ना रोस्टड करके, मेथे सौंफ वगैरह वह पाते, लाल मिर्च, हल्दी, ए नमक, आ कुछ आपां बादाम पा देने, सौगी भी पा दई दी है, काजू पा दिओ, जो मर्जी पा दिओ, जिहड़ी तुहानूं चीज़ टेस्टी ज़्यादा लगदी है। बस हम आप रिन्नना ही है, लो जी अपने सारे हम मसाले विच मैच हो गए, तो जिहड़ी चाशनी विच बनती अंब दे नाल ना चीनी दी वह भी सारी अपनी टाइट हो गई है, हुण बिल्कुल अपनी चटनी खट्टी मिठी तैयार है। तो बस हुण आपां गैस कर दईए बंद, देखो बिच हुण ऐ ना कोई नहीं हैगा रस वगैरह ना टाइट हो गई है, हुण गैस कर दईए बंद, तो ठंडी होई तो फिर आपां मर्तबान च पाउंदे। अपने देखो जी हो गए ठंडी चटनी, तो हुण आपां इहनूं मर्दवान च पा दईए, मर्दवान उहदा कच्च दा ही होवे तो बड़ा वधिया है, कच्च दा ना वधिया रहिंदा, तो जदों भी आपां इहनूं कढ़णा खाणा आ उदों सुक्का ही चमचा होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए इहनूं, तो इहनूं आपां 1-2 महीनिया तक खा सकते हैं, तो फ्रिज च रख लो, तो 2 महीनिया तक आपां इहनूं सौखा ही खा सकते हैं, तो क्योंकि इहदे च आपां पाया नहीं कुछ भी हैगा, तो तुसीं इहनूं चावलां नाल खाओ, परौंठी नाल खाओ, रोटी नाल खाओ, हर चीज़ ना ये बहुत वधिया टेस्ट इहदा निकलदा, हर चीज़ ना मैच करती है ये, तो बस सानू तुसीं खाओ चटनी तो कमेंट भेजो, तो दसो किदां दा टेस्ट है, चैनल करो सबसक्राइब, ओके थैंक यू।